Very good evening, all of you. Welcome back. Welcome to an academy. I'm your educator, Neha. How are you, everyone? Very good evening, all of you. Welcome back. Welcome to another session. कैसे हैं आप लोग जी? First of all, tell me, can you hear me properly? I am audible to everyone. Okay, great. Okay, Saloni, thank you for the confirmation. Thank you so much. So guys, मैं हूँ आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा. एंड आज एक और हम बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं रिगार्डिंग यूनिट नंबर 5th. इससे पहले भी हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बोला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं उन पर हम फोकस करेंगे एंड ऐसा ही हम दूसरे यूनिट्स के लिए भी करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हेयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. इन केस यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप आने वाले CSIR UGC NET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन में बेसिकली पेड कोर्सेज होते हैं. आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं. आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी दे सकते हो सो दैट आपको सेल्फ एनालिसिस होता रहे. राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे एजुकेटर्स की क्लास का. एंड अगेन आप देख सकते हैं दीज आर द प्राइजिंग लिस्ट जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है. एंड अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो नेहा एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट आपको 10% डिस्काउंट टोटल फीस पर मिल जाता है. किसी भी मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें आप देखते हैं कि 10% डिस्काउंट आपको टोटल फीस पर मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आप अनअकैडमी पर अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं, करंटली आई एम टेकिंग यूनिट नंबर 2 सेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन इन डिटेल विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशंस इन फॉर्म ऑफ PYQs एंड MCQs रेलेवेंट टू अदर यूनिट्स ऑल्सो. एंड इन द न्यू सेशन आई एम गोइंग टू इंक्लूड मोर यूनिट्स ऑल्सो. नेहा रेफर कोड आप यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं. सिंपली नेहा तनेजा आपको वहाँ पर सर्च करना है. बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे अगर आप फ्री कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो. सलोनी बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं अभी से पढ़ना. डेफिनेटली हर दिन आप पढ़ेंगे सीखेंगे तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो गाइस, आज की अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में रिपीटेडली पूछा जाता है. इससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था ड्रोसोफिला के से पहले जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेशन हुआ था. स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, मोज़ेक, एवरीथिंग हमने प्रायरली पढ़ा हुआ है. इसी चैनल पर आप नेहा तनेजा सर्च करोगे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी. बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ. टेल मी समथिंग यू नो अबाउट ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला के रिगार्ड में आप जो भी जानते हैं आप मुझे बताइए. एवरी वन ऑफ यू, आई नीड एवरी वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. बताइए, जेनेटिक्स में भी बहुत पढ़ा जाता है ड्रोसोफिला के बारे में. जेनेटिक्स आपका यूनिट नंबर 8, उसमें भी काफ़ी पढ़ा जाता है. एंड अगेन आपका यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ड्रोसोफिला से रेलेवेंट. बताइए, मॉडल ऑर्गेनिज्म है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, व्हाट एल्स? और कुछ, एनीथिंग एल्स? Anything else?
फ्रूट फ्लाई बोलते हैं. ओके, व्हाट इज द अनदर कॉमन नेम ऑफ ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला का और कौन सा कॉमन नेम है, डू यू नो दैट? फ्रूट फ्लाई. ओके ग्रेट, बिल्कुल सही, काफी सारे स्टूडेंट्स ने एकदम सही कहा. क्या आप लोगों को पता है ड्रोसोफिला को जेनेटिक्स की सिंड्रेला भी बोला जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं. अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ जीन्स आप लोग देखते हैं जो कि ह्यूमंस में भी डिसीज को कॉज करते हैं, दे आर फाउंड इन ड्रोसोफिला ऑल्सो. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. एंड अगेन आप वहां पर देखते हैं बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें से एक है ड्रोसोफिला. क्यों इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है? बिकॉज अगर आप जीन मैपिंग के रिगार्ड में भी देखेंगे, 75% ऑफ द जीन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ह्यूमंस में भी मिलते हैं एंड डिसीज कॉजिंग जीन्स हैं. तो ड्रोसोफिला में अगर आपने जीन्स को बेटर तरीके से जो है बेटर तरीके से मैप कर लिया, तो उसका एडवांटेज जो है ह्यूमंस की डिसीज करेक्शन में भी हो सकता है. देखिए, जब कभी भी आप ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, स्पेसिफिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, या किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ो, वेदर इट इज सी एलिगेंस, वेदर इट इज आप जेनुपस के बारे में पढ़ रहे हो, फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप चिक के बारे में पढ़ रहे हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, एक एक्सेस पैटर्न फॉर्मेशन का एक टॉपिक हम ज़रूर पढ़ते हैं. तो यहाँ पर भी शुरुआत ऐसे ही होती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आप डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सिंगल सेल टू द मल्टी सेलुलर बॉडी प्लान, आपको एक्सेस का पता होना चाहिए. बिकॉज अगेन एक्सेस ही डिसाइड करती हैं कि फर्दर बॉडी प्लान कैसा आएगा. चार एक्सेस के बारे में अपन लोग बात करते हैं. एंटीरियर, यानी कि आप बात कर रहे हैं हेड पार्ट के बारे में, राइट. बैक पार्ट इज पोस्टीरियर पार्ट, जिसमें आप टेल पार्ट के बारे में बात करते हैं या बैक पार्ट के बारे में बात करते हैं. अपर वन इज डॉर्सल, जिसको हम डी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द डॉर्सल पार्ट, ये बैक पार्ट. एंड नीचे वाला इज वेंट्रल, द बेली पार्ट. ठीक है, अगेन अलग अलग जीन्स काम करते हैं ये एक्सिस को लाने में एंड पूरा का पूरा बॉडी प्लान तैयार करने में. अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करोगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जीन्स की ही है. आप बहुत सारे जीन्स पढ़ते हो, जिसमें से कुछ जीन्स के बारे में आज हम देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन्स के बारे में, उसी पर ही रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. एंटीरियर टू पोस्टीरियर, डॉर्सल टू वेंट्रल स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही धीरे धीरे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अराइज होने लगते हैं. एग्जैक्टली प्रतीक्षा, यू आर वेरी करेक्ट. बिल्कुल निवेदिता, सेक्स डिटर्मिनेशन हम जब पढ़ते हैं, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस, ये भी एक टॉपिक है जिसमें अगेन ड्रोसोफिला के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं. देखिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. अगर आप ड्रोसोफिला के बारे में बात कर रहे हो, जिसको कॉमनली फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है, दे लिव एंड डाई क्विकली, इसका एक शॉर्टर लाइफ स्पैन है. ये भी एक कारण है कि इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगेन अगर आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर कर रहे हो, वेदर इट इज अ प्लांट और अ एनिमल, हमेशा जो बायोलॉजिस्ट है वो चाहेगा कि क्विकली मुझे रिजल्ट्स मिले, राइट. बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि म्यूटेशन, ग्राफ्टिंग, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके लिए रिजल्ट्स चाहिए होते हैं. इसको सिंड्रेला बोला जाता है जेनेटिक्स की. जेनेटिक रिसर्च, जीन्स के ऊपर जो रिसर्च होती है, उसमें ड्रोसोफिला को एज एन मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है. जेनेटिक बेसिस को, जीन्स के रेगुलेशन को, जीन्स के इंटरैक्शन को समझने में मदद करती है ड्रोसोफिला, जब इसका प्रॉपर जेनेटिक एनालिसिस होता है. ये एक बहुत छोटा सा जीव है जो कि अपने साथ 14,000 जीन्स जो है वो कैरी किए हुए है. इसका दूसरा नाम फ्रूट फ्लाई है, दैट कैन मॉडल ह्यूमन डिसीजेस, क्योंकि 75% इसके जीन्स, डिसीज कॉजिंग जीन्स जो है वो ह्यूमंस में भी मिलते हैं.
they have polyteen chromosomes. Can you tell me what are polyteen chromosomes? आप chromosomes पढ़ते हो, chromosomes क्या type भी पढ़ते हो, आप लोगों ने सुना होगा Lambrusch chromosome, polyteen chromosome. Can you tell me what are polyteen chromosomes? Any one of you, please tell me. हाँ जी बताइए, सभी के सभी बताइए, बिकॉज ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है. एग्जैक्टली जी, लार्ज क्रोमोसोम्स. केवल कुछ ही स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं. आई नीड आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो जेनेटिक्स में भी कॉमन है, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है. प्लीज मुझे बताएं. ऑटम ने ओनली वन स्टूडेंट इज आंसरिंग. व्हाट अबाउट अदर्स? पॉलिटीन क्रोमोसोम्स लार्ज क्रोमोसोम्स को कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं, काफ़ी जगह अपन लोग देखते हैं कि पॉलिटीन क्रोमोसोम्स का प्रेजेंस होता है. मेनली सलाइवरी ग्लैंड्स में पॉलिटीन क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं. बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे, आप लोगों ने शेप भी देखी होगी, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस होते हैं जो पॉलिटीन क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं. ईजी बाल्बियानी रिंग्स के बारे में आपने पढ़ा हो तो ज़रूर आपने इन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा. जियांट क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है. जियांट, जियांट एक वर्ड है जो कि लार्ज के लिए यूज किया जाता है. एवरी वन ऑफ यू. सो अगर आप ड्रोसोफिला के बारे में बात कर रहे हैं, अगेन आप यहाँ पर क्या देखेंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल सही, जो कि ड्रोसोफिला में भी मिलते हैं. अगर आप एक फीमेल फ्रूट फ्लाई की बात करते हो, लगभग पर डे इट यूज टू गिव 30 to 50 eggs, तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे नंबर में मिलते हैं, बिकॉज आने वाली सब्सिक्वेंट जनरेशन में ही जो भी एक्सपेरिमेंटर ने एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान काम किया है, वही उसको बाकी आउटकम मिल पाएगा. तो जो आउटकम है प्रोजेनी का वो बहुत अच्छा खासा है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे खासे मिलते हैं. फ्रूट फ्लाई की अगर आप बात करते हैं, इट डू हैव 1 lakh न्यूरॉन्स, एंड अगेन पूरी की पूरी न्यूरल मैपिंग भी इसकी हो चुकी है. ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे जो मैंने बताने ज़रूरी समझे, बिकॉज हमेशा बेसिक से ही आप शुरू करो तो अच्छा है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के रिगार्ड में, ड्रोसोफिला के रिगार्ड में, अगर हम एज ए मॉडलर ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या है? अ सीरीज ऑफ ड्रामेटिक चेंज इन ऑर्गेनिज्म बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर एट एज इट डेवलप्स आफ्टर हैचिंग और बींग बॉर्न. ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली CSIR ने एक दो बार पूछा हुआ है कि किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस ड्रोसोफिला शो करती है. तीन टाइप के ब्रॉडली हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है. मॉर्फोसिस का मतलब समझ में आता है ना, मॉर्फोलॉजी. जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, हम शेप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं. जब किसी चीज़ ने जन्म लिया है, उस जन्म लेने से अडल्ट तक होने तक बीच में वो किन किन ड्रामेटिक चेंजेस से गुजरती है या गुजरता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. ब्रॉडली हम इसको दो में बांटते हैं. तीन कैटेगरीज भी देखी जाती है, हेमी मेटाबोलस, होलो एंड ए मेटाबोलस. होलो एंड हेमी में जो स्पेसिफिक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, बिल्कुल मेरा आपने एकदम सही कहा, बाल्बियानी ने पॉलिटीन क्रोमोसोम को जो है डिस्कवर किया था. अगेन आप मेजर डिफरेंस इन दोनों में देखोगे तो आप होलो मेटाबोलस में देखते हो, अगेन हर लेवल पर एक अलग चीज़ आपको दिखाई देती है. लाइक यू कांट से दैट ये चीज़ ये बन जाएगी. बटरफ्लाई में हम देखते हैं फर्स्ट एग्स आर देयर, फिर लार्वा आता है,
फिर प्यूपा आता है एंड एट लास्ट बटरफ्लाई निकलती है उसमें से, ठीक है। सो इस तरीके का जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज है पूरा का पूरा बॉडी शेप में, स्ट्रक्चर में आफ्टर बीइंग हैच्ड, उसको हम होलो मेटाबॉलस बोलते हैं। हैमी में क्या होता है, सिंपली ग्रोथ होती है, लाइक दिस इज द एग, दिस इज यंग निम्फ, ठीक है, दिस इज लेटर निम्फ। लाइक आप यू कह सकते हो कि ये चीज़ जो है बड़े होके कोई इंसेक्ट, कोई कॉकरोच लाइक सिनारियो में आगे बढ़ेगी, लाइक यू कैन सी एंड प्रिडिक्ट, सच टाइप ऑफ थिंग्स आर हेमी मेटाबॉलस ग्रोथ ऑफ पैटर्न। अब अगर आप ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला में भी होलो मेटाबॉलस मेथड ऑफ डेवलपमेंट फॉलो होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइफ साइकिल है ड्रोसोफिला की, जहाँ पर सिंपली एम्ब्रियो है, इंस्टार लार्वा, सेकेंड इंस्टार लार्वा, इस तरीके से स्टेजेस आएंगी, फाइनली प्यूपा आएगा एंड फिर आप देखोगे एकदम से अडल्ट फ्लाई, वेदर इट इज अ फीमेल और अ मेल आपके सामने होगी। तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल देखी जाती है, होलो मेटाबॉलस मेथड ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली, लार्वा, प्यूपा एंड फाइनली अडल्ट, जिसको आप इमागो भी बोलते हो। जो अडल्ट फ्लाई होती है, जो कि बेसिकली हमें जीन्स का समझना है यहीं पर, कि तीन बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेड पार्ट आ रहा है, थॉरेक्स पार्ट आ रहा है एंड फाइनली हम देख रहे हैं एब्डोमन पार्ट आ रहा है। कैसे कैसे आ रहा है, पहले एक बॉडी प्लान आपको पता होना चाहिए। हेड इज़ देयर, थ्री थॉरेक्स सेगमेंट इज देयर, T1 to T3। T1 की अगर आप बात करोगे, थॉरेक्स भी तीन सेगमेंट में बटा हुआ है, T1, T2 and T3। T1 में देर इज अ पेयर ऑफ लेग्स, T2 में भी पेयर ऑफ लेग्स है एंड अ पेयर ऑफ विंग्स है एंड T3 में अ पेयर ऑफ लेग्स एंड अ पेयर ऑफ हॉल्टर्स। डू यू नो दैट व्हाट आर हॉल्टर्स? अगर आप यहाँ पर हॉल्टर के बारे में बात कर रहे हो, जो कि एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, अगर आप ड्रोसोफिला की बात करते हो, व्हाट इट इज एंड व्हाट इज इट्स रोल, हॉल्टर क्या है बताइए। इट इज बेसिकली द बैलेंसिंग ऑर्गन, जो बैलेंस करता है जो भी उड़ने वाले जीव है, वहाँ पर आप हॉल्टर्स की प्रेजेंस देखते हो, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लाइंग एक्टिविटी को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। लास्ट में बिल्कुल सही, मधु, ज्योति, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एकदम सही बताया है। लास्ट में हम देखते हैं एब्डोमन रीजन आता है, ये रीजन आता है जिसमें नौ सेगमेंट्स में A1 to A9 चीज़ें जो है वो बटी होती है। ये बिल्कुल बेसिक था जो आप लोगों को बताना ज़रूरी मैंने समझा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक्चुअली हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्रोसोफिला की एंड जीन्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इस बार भी दिसंबर 2019 में भी क्वेश्चन ड्रोसोफिला में से आया था, हमेशा आता है, मेक श्योर आप ध्यान से चीज़ों को समझें। वल्वर डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सी एलिगेंस मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करते हो। वो चीज़ मैंने यहाँ इसलिए आज इंक्लूड नहीं की क्योंकि ठीक इस क्लास के बाद 5 to 6 PM मैं आपको वल्वर डेवलपमेंट भी पढ़ाऊँगी अन अकेडमी पर, राइट। सो आई थॉट कि दो डिटेल्ड सेशंस हो जाएं तो आप ज़्यादा ग्रेस्प कर पाओगे रेदर देन एक ही जगह दो चीज़ों को कंपाइल कर दिया जाए। दैट इज़ द रीज़न एक पूरा मैंने डेडिकेटेड ड्रोसोफिला को किया है एंड अगेन 5 to 6 हम जो है वो नीमाटोड की डेवलपमेंट देखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, सिमरन सिंह सब कुछ इसी चैनल पर है, ऑलरेडी हर दिन आपको नोटिफाई कर दिया जाता है, हर दिन क्लासेस होती हैं। आई यूजली टेक क्लास ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ओके, 4 PM हेयर ओनली, ठीक है सिमरन। देखिए एवरीवन, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। सबसे पहले आप देखिए, इन ड्रोसोफिला आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई अंडरगो अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर डिविजन। जैसे ही एग प्रेजेंट है एंड स्पर्म ने आकर एंटरी करी, फर्टिलाइजेशन इज डन।
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होगा, वन एंड फ्रॉम द मदर साइड, अनदर एंड फ्रॉम द मेल ड्रोसोफिला मिलकर डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर की है, हम देखेंगे रैपिडली न्यूक्लियर डिविजन्स होते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग है, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है एंड रिपीटेड वे में न्यूक्लियर डिविजन से छोटे छोटे आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, रिपीटेड डिविजन्स होते चले जाते हैं। जब न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करता चला जाता है, न्यूक्लियर डिविजन्स होता चला जाते हैं, हम एक बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसको हम सिंसाइशन स्टेज बोलते हैं। हम बोलते हैं ये जो स्टेज हमें दिखाई दे रही है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशन स्टेज है जो कि ड्रोसोफिला में बनती है। एंड कैसा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर फॉलो होता है, क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है? डेवलपमेंट में हम अलग अलग टाइप के मोड ऑफ स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं, क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर कौन सा स्पेसिफिकेशन फॉलो होगा? बताइए, काफी सारी चीजें हो चुकी है। आदित्य आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, नेहा तनेजा, यू विल गेट इट। एग्जैक्टली नेहा भारती ने एकदम सही कहा है, हम तीन तरीके के स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड इज सिंसाइशियल स्पेसिफिकेशन। सिंसाइशियल स्पेसिफिकेशन ऑटोनोमस कंडीशनल का बीच का मिक्सचर होता है जो कि ड्रोसोफिला में फॉलो होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर डिविजन्स के बाद सिंसाइशियम नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। आफ्टरवर्ड्स हम देखते हैं जैसे जैसे ग्रोथ आगे बढ़ती है, स्टेज वन, स्टेज टू, नेक्स्ट स्टेज की अगर आप बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई माइग्रेट फ्रॉम द मिडल ऑफ एग टूवर्ड्स द सरफेस। मिडल से जाकर सरफेस की तरफ न्यूक्लियाई जो है वो लोकलाइज हो जाते हैं। एंड अगेन एक मोनो लेयर, सिंगल लेयर बनती है जिसको हम सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। इस स्टेज पर हम इसको बोलेंगे कि सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म लेयर जो है वो बन गई है, है ना? ब्लास्टुला स्टेज के अकॉर्डिंग सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म जो है वो बन गई है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ स्टेज में आप देखोगे कि इन न्यूक्लियस को, ये जो न्यूक्लियस पेरिफेरी पर मूव किए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे कवर करती चली जाएगी। नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि है तो सेल ही, सेलुलर डिविजन्स ही चल रहे हैं, विल एनक्लोज ईच न्यूक्लियस एंड देन कन्वर्टिंग द सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म इनटू द सेलुलर ब्लास्टोडर्म। इस तरीके से कवरिंग होती जाएगी, हम कहेंगे सेलुलर ब्लास्टोडर्म बन गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, आप देखोगे अ स्मॉल सबसेट ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड ऑफ द एग एंड सेग्रीगेटेड इनटू द सेल। कुछ न्यूक्लियाई बीच में से पोस्टीरियर साइड में मूव कर जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स बना हुआ है, ये देखिए, इनको हम बोलते हैं पोल सेल्स। दे आर द प्रिकर्सर ऑफ जर्म सेल्स, दे आर द प्रिकर्सर ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या करेंगे, आगे जाकर एग या फिर स्पर्म को गिव राइज करेंगे। आप पढ़ते हो ना सोमैटिक सेल्स, जर्मिनल सेल्स, वही चीज है। ये सेल्स आगे जाके ड्रोसोफिला में, अगर मेल है तो स्पर्म, अगर फीमेल है तो एग को गिव राइज करेंगे। ये बिल्कुल अर्ली स्टेजेस है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए था जो आप लोगों ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपको पूछना चाहिए था, मैम ये तो बहुत अर्ली डेवलपमेंट की आपने बात कही, अभी तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही हुआ है, तो ये एक्सेस का डिटर्मिनेशन आपने कैसे बताया कि पोस्टीरियर पर चीज़ें मूव कर गई? ड्रोसोफिला का केस हम स्पेशली देखते हैं कि यहाँ पर सिंसाइशियल स्पेसिफिकेशन होता है। प्रायर टू फर्टिलाइजेशन ही मेटर्नल साइड में एग के अंदर कुछ जीन्स, मेटर्नल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सिस को डिटरमाइन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग बोल रहे थे बाइकॉर्ड, नैनोस, उन्हीं जीन्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो उसी वजह से हम कहते हैं कि पोस्टीरियर एंड यहाँ पर है एंड एंटीरियर एंड यहाँ पर है, क्योंकि ऑलरेडी एमआरएनए
मूव कर चुके हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन. फाइन, सिंसाइशम की बात करें, सिंसाइशम एक ऐसा स्टेज है जुबैर जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा. यूजली हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस होता है जब सेल डिवाइड करता जाता है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है एंड हम एक स्टेज बोल रहे हैं बन रही है जिसको हम सिंसाइशम बोल रहे हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अब देखिए इस तरीके का सिनेरियो चलता है, डेवलपमेंट आगे बढ़ती है. मेन आप लोगों को समझना है कि कौन से जीन्स यहाँ पर काम करते हैं. तीन जीन्स यहाँ पर, तीन पूरा ग्रुप ऑफ जीन्स यहाँ पर काम करता है. आसानी के लिए मैंने उसको ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया है, मेटर्नल इफेक्टर जीन, सेगमेंटेशन जीन एंड थर्ड इज होम्योटिक जीन्स. इन जीन्स में ये बहुत सारे जीन्स आते हैं, केवल जीन नहीं लिखा ना, यहाँ जीन्स लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ जीन्स जो है वो काम करते हैं. ड्रोसोफिला में है ही यही कि आपको यही चीज़ें याद करनी है. पूरी की पूरी जो ड्रोसोफिला बनकर आपके सामने आ रही है, आइदर इट इज़ अ फीमेल और मेल, वो जीन्स की वजह से आ रही है. जीन्स ही चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, डॉर्सल टू वेंट्रल. अब एक एक करके हम इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. देखिए एवरीवन, अगर आप ड्रोसोफिला की बात करते हो, उसकी डेवलपमेंट की बात करते हो, आपने देखा कि अगेन होलो मेटाबोलस फॉर्म फॉलो कर रही है. बॉडी तीन मेन भागों में बटी हुई है, एक हेड रीजन है, एक थॉरेक्स रीजन है एंड एक एब्डोमन रीजन है. थॉरेक्स में भी हम T1 टू T3 देख रहे हैं, एब्डोमन में भी हम A1 टू A9 देख रहे हैं. अगेन आप देख रहे हो हॉल्टर्स प्रेजेंट है, लेग्स प्रेजेंट है, विंग्स भी प्रेजेंट है. कैसे आ गए? जीन्स की वजह से आ गए. एक छोटे से फर्टिलाइज्ड एग के बाद पूरा बॉडी प्लान तैयार हो गया, बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी. इफ यू कट इनटू द हाफ, लेफ्ट एंड राइट पार्ट इक्वल रहेगा, उसको हम बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी प्लान बोलते हैं. तीन सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है जब ये तीनों के तीनों जीन्स काम करने लगते हैं. एक एक करके हम तीनों जीन्स को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ही याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे के लिए कुछ भी अधूरा ना रह जाए. बाकी आपको रिपीटेड वे में चीज़ें याद करनी पड़ेंगी ताकि आप समझ सकें. मेटर्नल इफेक्ट जीन्स, नाम से ही पता चल रहा है, मदर. मेटर्नल हम यूज़ करते हैं मदर के लिए, पैटर्नल अपन यूज़ करते हैं फादर साइड के लिए. यानी कि अगर आप ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट की बात करते हो, उसमें बहुत सारे जीन्स मेटर्नल साइड से एग के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि एक्सिस में या डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं. मेटर्नल इफेक्टर जीन्स एक्सप्रेस होते हैं प्रायर टू फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग ओजेनेसिस बाय द मदर ड्रोसोफिला. ओजेनेसिस का प्रोसेस आप लोग जानते हो, गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हो, उसमें आप स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस पढ़ते हो, मैच्योर ओवम सामने आता है. वही ये जीन्स फर्टिलाइजेशन की, एग अभी स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उससे पहले ही एक्सप्रेस होना शुरू हो गए हैं. जो एग की मदर साइड जो मैच्योर एग लेकर आ रही है, ओवम लेकर आ रही है, उसकी पोलैरिटी मेटर्नल इफेक्टर जीन से स्पेसिफाई होनी शुरू हो जाती है. अब जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, जीन्स के प्रोडक्ट क्या? जीन्स का प्रोडक्ट mRNA, फाइनली प्रोटीन. द प्रोडक्ट ऑफ मेटर्नल जीन्स आर मेटर्नल mRNAs जो कि अपना एक्सप्रेशन लाएंगे एंड एक्सिस को डिटरमाइन करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल को लेकर आएंगे. क्योंकि आप मान लीजिए एक खाली प्लॉट है, आपको घर बनाना है, आपका पास एक खाली प्लॉट है, तो पहले आप बाउंड्री सेट करोगे, है ना, कि यहाँ पर मेन गेट होगा,
यहाँ पर बालकनी होगी, यहाँ पर गार्डन होगा, यहाँ पर लिविंग रूम होगा, फिर सेगमेंट्स करना शुरू करेंगे। पहले एक प्लान तैयार होगा, उसके बाद धीरे धीरे रूम्स आना शुरू होंगे ना, रूम्स बनाओगे, किचन बनाओगे, लिविंग एरिया बनाओगे। ऐसे ही यहाँ पर भी पहले एक बॉडी प्लान तैयार होगा जीन्स की हेल्प से, फिर धीरे 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 सेगमेंटेशन होगी एंड एट लास्ट शेप आने लगेगी, ऑर्गन्स आने लगेंगे, आइडेंटिटी आने लगेगी। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मैटर्नल जीन्स आर मैटर्नल mRNA, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय टू सेल्स। अब अगर आप मैटर्नल इफेक्ट जीन्स की बात करते हो, वहाँ पर आप दो इम्पॉर्टेंट सेल्स के बारे में पढ़ते हो, वन इज नर्स सेल्स, अनदर इज फॉलिकुलर सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ मैटर्नल जीन्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ एग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दिस इज अ रियल डायग्राम, कैन यू सी दिस एवरीवन? यहाँ पर हम तीन चीज़ें देख रहे हैं, नर्स सेल है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये देखो बाउंड्री पर ये फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड दिस इज द मैच्योर ओसाइट। अगेन बिफोर फर्टिलाइजेशन ये तीनों की तीनों चीज़ें काम कर रही हैं ताकि पोलैरिटी जो है वो डिटरमाइन हो सके। एक बार इनके बारे में भी जान लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट दे आर डूइंग। नर्स सेल, नाम से पता चल रहा है, नर्सिंग, नरिशमेंट। द नर्स सेल प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द ओसाइट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ। ओसाइट आप पढ़ते हो, ओजेनेसिस आप पढ़ते हो, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ फेस होता है, फॉलिकल सेल्स ग्रो करते हैं, बीच में मैच्योर एग भी ग्रो करके मैच्योर होता है। तो जो नर्स सेल्स होते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं बीच में प्रेजेंट हैं, जो नर्स सेल्स होते हैं वो बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ओसाइट को। दूसरा, फॉलिकुलर सेल्स जो बाउंड्री पर पेरीफेरी पर प्रेजेंट हैं, दे विल ऑल्सो हेल्प इन इन्वेस्टिंग द एनलार्जमेंट ऑफ ओसाइट एज अ कॉन्टिन्यूस एपिथीलियम आउटर कवरिंग, प्रोवाइड द मटेरियल फॉर यॉक फॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस इन द डेवलपिंग स्ट्रक्चर। फॉलिकुलर सेल्स भी ओसाइट को प्रोग्रेस होने में, मैच्योर होने में मदद कर रहे हैं, बिकॉज फाइनली यही वो सेल है जो कि ओजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा, मियोटिक डिवीजन के द्वारा फाइनली एक मैच्योर ओवम लाकर देगा। तो इसका टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके पीछे इन दोनों सेल्स का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि मैच्योर ओवम में ही फाइनली मैटर्नल जीन्स का एक्सप्रेशन शुरू होगा। मियोटिक जीन्स का बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस पढ़ रखा है। पहले माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस वन, मियोसिस टू, एंड फाइनली हमें गैमेट्स जो हैं वो मिलते हैं। एवरी वन ऑफ यू नो दैट, राइट? ओके, अब देखिए, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, चलिए सामान तो इकट्ठा हो रहा है, अब एक्सिस को लाना भी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस चीज़ें कैसे आती हैं। बेसिकली एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस दो स्पेसिफिक क्लास ऑफ जीन्स लेकर आते हैं। पहला मैटर्नल इफेक्टर जीन, जिसको आप एग पोलैरिटी जीन या कोऑर्डिनेट जीन भी बोल सकते हैं। CSIR या कोई भी एग्जाम आपको किसी भी नाम से पूछ सकता है, आपको याद रखना ये सिनोनिम्स मैंने सब लिख दिए हैं, मैटर्नल इफेक्टर जीन, एग की पोलैरिटी को लाने वाले जीन या कोऑर्डिनेटिंग जीन, एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। दूसरा होता है जाइगोटिक जीन, जाहिर सी बात है जाइगोट की बात कर रहे हो, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट के बनने के बाद जो जीन्स आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। दो स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ जीन्स हम यहाँ देख रहे हैं, मैटर्नल एंड जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइडेड है चार सब क्लासेस में, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स एंड होमियोटिक जीन्स, चार पार्टों में, फाइन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर्नल इफेक्टर जीन्स एक्ट एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर गैप जीन, गैप जीन एक्ट एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर पेयर रूल जीन, पेयर रूल जीन एक्ट एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर सेगमेंट पोलैरिटी एंड फाइनल होमियोटिक। ये एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैटर्नल आएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर आएगा, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में गैप बनने शुरू होंगे, जिसके पीछे गैप जीन्स काम करेंगे,
फिर धीरे धीरे सेगमेंट्स आने लगेंगे, बॉडी और भागों में बट जाएगी जिसके लिए पेयर रूल जीन्स काम करेंगे। फिर जो भाग आए हैं, पैरा सेगमेंट्स आए हैं, उनकी भी पोलैरिटी आएगी कि एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर। फाइनली उन पार्ट्स पर जो पूरा बॉडी पैटर्न तैयार हुआ है, आइडेंटिफिकेशन आएगा जो कि होम्योटिक जीन्स लेकर आएंगे, राइट? एंड ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं अगर एक में भी म्यूटेशन हो जाता है, एक में भी किसी में म्यूटेशन हो जाएगा तो आगे बॉडी प्लान एबनॉर्मल बनेगा, एक नॉर्मल ड्रोसोफिला आपके सामने नहीं आएगी। आपको क्या याद रखना है, एक होता है मेटर्नल जीन एंड दूसरा होता है जाइगोटिक जीन। जाइगोटिक जीन में भी गैप जीन्स हैं, पेयर रूल जीन्स हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स हैं एंड लास्ट में होम्योटिक जीन्स हैं। एंड दे विल एक्ट एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर दिस, फाइनली दे विल एक्ट एज एन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर दिस, दे विल एक्टिवेट फाइनली दिस। इस तरीके से सिनेरियो चलेगा एंड बॉडी प्लान आगे बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं मेटर्नल जीन्स है, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल स्पेसिफिकेशन हो रहा है, गैप का जनरेशन शुरू हो गया है, सेगमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, सेगमेंट्स को आइडेंटिटी मिलनी भी फाइनली शुरू हो जाएगी एंड लास्ट में हमें एक नॉर्मल अडल्ट ड्रोसोफिला दिखाई देगी। ओके, अब थोड़ा सा हम इनको और डिटेल में देखेंगे, राइट? मेटर्नल इफेक्टर जीन्स, शॉर्ट में मैं MEG लिख रही हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को लाने में थ्रू इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऊसाइड एंड सोमैटिक फॉलिकुलर सेल सराउंडिंग द एपिथेलियम। आपको पता है बिफोर फर्टिलाइजेशन शुरू हो गई हैं चीज़ें, मेटर्नल mRNA है, सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरसेल्युलर लिखा हुआ है ना, इंटरसेल्युलर मतलब इन बिटवीन द सेल्स कम्युनिकेशन है। किसके बीच में? ऊसाइट के बीच में, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट था स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी, एंड अगेन उन सेल्स के बीच में जो कि इस तरीके से पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, जिसको आप फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हो, इनके बीच में जो है इंटरैक्शन हो रहा है। आफ्टर द इंटरैक्शन लोकेलाइजेशन ऑफ मेटर्नल इफेक्टर जीन ट्रांसक्रिप्ट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स क्या? mRNA, mRNA को तो आप ट्रांसक्रिप्ट बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो ना, ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है DNA से RNA। विद इन द ऊसाइट इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। आई विल शो यू अ पिक्चर, कैन यू सी दिस पिक्चर एवरीवन? दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर फ्रॉम अ रिसर्च पेपर। आप देख सकते हैं ये एंटीरियर साइड के फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये पोस्टीरियर साइड के फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पता है ना आपको, साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क हम जिसको बोलते हैं, है ना? अपन लोग सेल डिवीजन में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, जब सेल डिवाइड होता है फाइनली वहां पर भी हम जो है, जी अनुजा, इनके बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, mRNA आ रहा है, उसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का न्यूक्लिएशन हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये लोकेलाइज कर रहे हैं। ये देखो बाइकॉड mRNA कहाँ पर आ गया, ये रेड वाला, जबकि इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूबुलर एरेज जो कि साइटोस्केलेटन बना रहे हैं एक सेल का, एक पूरे के पूरे सेल का, उसमें ओरिएंटेशन में ये मदद कर रहा है। और भी बहुत सारे मोटर प्रोटीन्स मदद करते हैं। एंड इस तरीके से आप देखो बाइकॉड mRNA, गुरकन प्रोटीन, गुरकन प्रोटीन आप पढ़ते हैं ना जब डॉर्सल टू वेंट्रल स्पेसिफिकेशन आता है, गुरकन टॉर्पीडो बाइकॉड नैनोस, ये देखो ये पोस्टीर एंटीरियर पर आ गया बाइकॉड एंड पोस्टीरियर पर नैनोस प्रेजेंट है। ये अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, मेटर्नल जीन्स हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। दिस इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम, आप बाद में भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। वही थ्योरी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखी है। माइक्रोट्यूबुल एरेज ओरिएंटेड विद इन अ ऊ साइट इन सच अ वे दैट पॉजिटिव एंड, क्योंकि आपको पता है माइक्रोट्यूबुल्स में आप जब पढ़ते हो पूरा प्रोटोफिलामेंट स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड पढ़ते हो, पॉजिटिव एंड पोस्टीरियर साइड में रहता है एंड नेगेटिव इंटीरियर की तरफ रहता है। ये देखिए जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
न्यूक्लिएशन होता जा रहा है ताकि फ्रेमवर्क एडजस्ट किया जा सके। मेटर्नल जीन्स में आप कौन से जीन्स पढ़ते हो? बाइकॉड है, नैनोस है, कॉडल है, हंचबैक है, टॉर्सो टॉल, ये सारे जीन्स हैं। नाम याद करने पड़ेंगे, हो सकता है 10 से 20 मिनट 30 मिनट लग जाए, बट इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। mRNA ऑफ ऑल दोज जीन्स गेट द फॉर्म बाय फॉलिकल और नर्व सेल एंड गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ मोटर प्रोटीन डायनामिन प्रोटीन इनटू द ओसाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन ही मेटर्नल इफेक्टर जीन्स ने अपना काम कर दिया, एग की पोलैरिटी को एंटीरियर पोस्टीरियर साइड को लाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया? एवरीवन, मैं बीच में ब्रेक इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। अगर मैंने ब्रेक ले लिया, पोज ले लिया, ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। 5 बजे आपका फिर हमें नीमाटोड भी पढ़ना है। जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, इज दैट क्लियर? Very less students are responding. Everyone, please tell me, is that clear? चलिए, great, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। Both bicord and hunchback known as first set of maternal genes. Bicord and hunchback दोनों ही maternal genes हैं। नैनोज एंड कॉडल जो है वो सेकेंड सेट ऑफ मेटर्नल जीन्स है। सेट क्यों बोल रहे हैं? पेयर में दो चीज़ें आती हैं, सेट में दो चीज़ें आती हैं। टोर्सो जीन इज नोन एज थर्ड सेट ऑफ मेटर्नल इफेक्टर जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंटीरियर साइड नोन एज एक्रॉन एंड पोस्टीरियर साइड टेलसोन। एक्सट्रीमिटीज का मतलब है इंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, इनका भी जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा एंटीरियर का एंड पोस्टीरियर का, उसके पीछे टॉर्सो जीन जो है वो काम करता है। उसके बाद चौथा सेट आता है टोल जीन का, जो कि फोर्थ सेट ऑफ मेटर्नल इफेक्टर जीन है, जो कि डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को लेकर आता है। चार सेट हम पढ़ते हैं मेटर्नल जीन्स के, बाइकॉट हंचबैक, नैनोस कॉडल, टॉर्सो एंड लास्ट वाला टॉल। कौन क्या लाता है सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एवरी वन ऑफ यू। अब यहाँ पर आप एक केस देखें, एवरी वन, ये आपको याद रखना है। बाइकॉट की अगर आप बात करते हो, हंचबैक की अगर आप बात करते हो, दे आर प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड। नैनोस की बात करते हो, कॉडल की अगर आप बात करते हो, दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। आप देख रहे हो बाइकॉड इनहिबिट करेगा कॉडल को एंड नैनोज नाम का जीन इनहिबिट करेगा हंचबैक को, क्योंकि बाइकॉड का काम है इंटीरियर साइड को लेकर आना, वो कॉडल को वहाँ एक्सप्रेस नहीं होने देगा क्योंकि कॉडल बैक वाला पार्ट लाता है। नैनोस का काम है पोस्टीरियर लाना, वो हंचबैक को नहीं आने देगा क्योंकि हंचबैक का काम है किसको लाना, एंटीरियर साइड वाले पोर्शन को, मिडल पोर्शन को लेकर आना। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख सकते हो। HB हंचबैक बाइकॉड एंटीरियर साइड पर है, ठीक है। NC जो है या CN कुछ भी आप याद रखें, वो पोस्टीरियर साइड पर है। चार चीज़ें हैं, नैनोस, बाइकॉड, कॉडल, हंचबैक। HB की अपन लोग पेंसिल नहीं देखते थे पहले, नटराज की पेंसिल आती थी, है ना। ए से अल्फाबेटिकली चीज़ें शुरू होती हैं, तो आप याद कर सकते हो। एंटीरियर बचा क्या, नैनोज एंड कॉडल, वो पोस्टीरियर साइड को लेकर आ रहा है। बाइकॉड इनहिबिट करेगा कॉडल को, नैनोज इनहिबिट करेगा किसको, हंचबैक को। नॉर्मल डेवलपमेंट में आप देखोगे, जब सब कुछ नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है, ये बाइकॉड mRNA एक्सप्रेस हो रहा है, आप देख रहे हो पूरा इस तरीके से हेड टू टेल सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, एंटीरियर पार्ट आ रहा है ना,
हंचबैक भी है, थॉरेक्स भी आ रहा है, एब्डोमेन भी है, टेल्स एंड टेल पार्ट भी आ रहा है ना, अगर आप वाइल्ड टाइप फिनोटाइप बन रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर बाइकॉड प्रेजेंट नहीं है, बाइकॉड म्यूटेंट है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, उस केस में क्या होगा, बाइकॉड प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर कॉडल एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए इफ दिस इज द सिनेरियो कि ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको इनिबिट भी कुछ नहीं कर सकता, कॉडल एक्सप्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे अपन लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे अपन लोग पढ़ते थे ना क्या पढ़ते थे अपन लोग, एबीसी मॉडल ऑफ प्लांट पढ़ते थे, एक ही जगह सी आ जाता था, सी नहीं होता था तो ए आ जाता था, ऐसे ही यहाँ पर कॉडल का एक्सप्रेशन हो जाएगा, टेल पोर्शन यहाँ आ जाएगा, टेल पोर्शन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बाइकॉड तो प्रेजेंट ही नहीं है। मेरी पिक्चर के पीछे कुछ छिप रहा है बट होपफुली आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। ये वाइल्ड टाइप बॉडी प्लान तैयार हो रहा है, इंटीरियर पर सब कुछ है, एक्सट्रीमिटीज भी है, टेल भी है, पूरा थॉरेक्स पार्ट भी है एंड एब्डोमेन के भी A1 टू A9 रीजन है। अगर बाइकॉड म्यूटेंट है तो आप देखोगे हेड पार्ट प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। अगर नैनोज म्यूटेंट है तो मेरी पिक्चर के पीछे छिप रहा है, आप देखोगे पोस्टीरियर पार्ट में, एब्डोमेन पार्ट में डिफॉर्मिटीज आपको दिखाई देगी, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है एंड बिलीव मी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपकी सिर्फ एक बार की मेहनत है। अगर आप एक बार मेहनत कर लोगे तो आप हमेशा इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ केसेस दिखाए गए हैं, ये देखिए ये बाइकॉड म्यूटेंट है, ये नेगेटिव साइंस अपन म्यूटेंट के लिए लगाते हैं ना कि नहीं प्रेजेंट, अगर ये म्यूटेंट है एंड आपने इंटीरियर एंड पर बाइकॉड ऐड कर दिया, है ना, इंजेक्शन के थ्रू मदद से ऐड कर दिया, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। जो बाइकॉड प्रेजेंट नहीं था आपने वो दे दिया, टोटल हेड पार्ट आ रहा है, थॉरेक्स आ रहा है, एब्डोमेन आ रहा है, टेल्सन पार्ट आ रहा है, इंटीरियर का एक्सट्रीम पार्ट भी आ रहा है, एवरीथिंग इज देयर। अगर ये एम्ब्रियो बाइकॉड म्यूटेंट है एंड उसी म्यूटेटेड एम्ब्रियो में आपने बीच में बाइकॉड mRNA डाल दिया, आप देखोगे ऐसा फिनोटाइप आ जाएगा, हेड जो है वो मिडल में आ जाएगा एंड दोनों पार्ट पर टेल आ जाएगा, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट पर तो बाइकॉड था ही नहीं तो वो किसको रोकेगा, वहां पर कॉडल ने अपना जलवा दिखा दिया एंड टेल पार्ट ले आया, बीच में बाइकॉड का हमने mRNA डाला तो बीच में हेड पार्ट डेवलप हो गया। लास्ट में अपन लोग देखते हैं कि अगर थर्ड केस में, इफ दिस इज द थर्ड केस, अगर एक वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड वहां पर आपने पोस्टीरियर साइड पर बाइकॉड को ऐड कर दिया, तब आप देखोगे दोनों तरफ हेड आ जाएंगे एंड बीच में टेल प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर बाइकॉड प्रेजेंट है तो वो नैनोस को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ये केसेस पूछ लिए जाते हैं, आई रिक्वेस्ट यू याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेकेंड सेट में हमने पढ़ा था, सेकेंड ये तो अपन ने देखा बाइकॉस, नैनोस, कॉडल, हंचबैक, अब अपन देख रहे हैं टॉर्सो है, टॉर्सो जनरेट्स द एक्सट्रीम्स ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस एंड ड्रोसोफिला। जो इंटीरियर है ठीक है, पोस्टीरियर है ठीक है, इनका भी जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम का मतलब समझ में आता है, जो अंतिम छोर होता है वो लेकर आता है टॉर्सो नाम का प्रोटीन। इसके अलावा जो चौथा सेट होता है टॉल, वो लेकर आता है डॉर्सल टू वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सल द बैक पार्ट, वेंट्रल द बेली पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिए मेटर्नल जीन्स में अभी आपने देखा बाइकॉड, नैनोस, हंचबैक, कॉडल, है ना, जो कि प्रायर टू फर्टिलाइजेशन हम देख रहे हैं पोलैरिटी सेट कर दी है, उसके बाद फिर आगे चीजें चल रही हैं। जाइगोटिक जीन्स में मेटर्नल जीन्स एक्टिवेट होकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, जाइगोटिक सेगमेंटेशन जीन्स को वो क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जाइगोटिक या सेगमेंटेशन जीन में तीन टाइप आते हैं, कौन कौन से, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, इनको एक एक करके ये एक्टिवेट होंगे एंड फाइनली ये एक्टिवेट कर देंगे होम्योटिक जीन्स को,
जो कि आइडेंटिटी रेलेवेंट जीन है, कहाँ पर क्या आएगा, यहाँ हाथ आएंगे, यहाँ पैर आएंगे, हाथ को ले आओ, क्वाल्टर्स को ले आओ, विंग्स को ले आओ, होम्योटिक जीन्स का काम है, पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट आइडेंटिटी देना होम्योटिक जीन्स का काम है। अब देखिए इस तरीके से, कैन यू सी द ब्यूटिफुल पिक्चर, दिस इज द रियल पिक्चर एवरीवन, कैन यू सी कैसे डेवलपमेंट के बाद पूरा पूरा सेगमेंटेशन बॉडी का तैयार हो रहा है ताकि इसके बाद फाइनली एक अडल्ट ड्रोसोफिला सामने आ सके, है ना? यस, सामने आ सके। सेकेंड में हम देखते हैं सेगमेंटेशन जीन को। एवरी वन ऑफ यू द सेगमेंटेशन जीन, जो कि पूरा बॉडी प्लान में सेगमेंट्स कर दे, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट और स्मॉल रिपीटेड रीजन्स ऑफ अ बॉडी दैट विल मेक अ स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर, जो एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार कर। बेसिकली क्या कर रहे हैं सेगमेंटेशन जीन्स, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, सेगमेंट्स लेकर आ रहे हैं फ्लाई एम्ब्रियो की ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखिए ये जो मेटर्नल कोऑर्डिनेट जीन्स हैं, क्या आप देख रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर स्पेसिफिकेशन हो चुका है, इसके बाद अब जाइगोटिक जीन्स में गैप जीन्स काम करेंगे, उसके बाद एक्टिवेशन के बाद पेयर मूल जीन्स काम करेंगे और ज़्यादा कंसाइज स्पेसिफिक सेगमेंट्स आ जाएंगे एंड फाइनली सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आएंगे एंड एक बॉडी प्लान तैयार होगा। गैप जीन्स का क्या काम है? गैप जीन्स बहुत ही अर्ली फेज में आ जाते हैं, पूरे एम्ब्रियो को ब्रॉड रीजन्स में बड़े बड़े चौड़े भागों में जो है बांटना गैप जीन्स का काम है। दे डिफाइन द पार्ट ऑफ द, पूरा पार्ट बना देते हैं बड़े बड़े, जो कि फर्दर छोटे छोटे फिर सेगमेंट्स में बट जाएंगे आगे जाके जब डेवलपमेंट बढ़ेगा। दीज गैप जीन्स डिफाइंस द हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमिनल रीजन, क्योंकि एक्सिस तो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुकी है मेटर्नल जीन्स के द्वारा। अब ये ब्रॉडली ये बता देंगे यहाँ पर हेड आएगा, यहाँ पर थॉरेक्स आएगा एंड एट लास्ट एब्डोमन आएगा। अगेन ये जीन्स, बहुत सारे गैप जीन्स भी अपन देखेंगे, ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरह दूसरे आने वाले जीन्स को, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, होम्योटिक जीन्स को कंट्रोल करते हैं। देखा गया है कि अगर इनमें म्यूटेशन होता है तो एक गैप रह जाता है एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो एबनॉर्मल वे में डेवलप करता है। गैप जीन्स के ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, निप्स, क्रूपल, जियांट, टेनलेस एंड हंचबैक। हंचबैक एक मेटर्नल जीन भी है एंड ये गैप जीन की तरह भी काम करता है। आप सभी पोजीशन भी देखिए, पोजीशन भी पूछी जाती है, क्रूपल मिडल में आ रहा है, जियांट एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड में एक्सप्रेस हो रहा है, टेनलेस नाम का जीन भी दो जगह एक्सप्रेस हो रहा है जब गैप जीन्स का एक्सप्रेशन आ रहा है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी बिकॉज इनकी पोजीशंस जो हैं वो पूछी जाती हैं। हंचबैक के बारे में आप बात करो, हंचबैक का मतलब आपको समझ में आता है, जो एक कुबड़ इंसान होता है ना, हम कहते हैं हंचबैक है, ठीक है, ट्रंक पोर, कहते हैं ना कुब निकल रहा है, ट्रंक पोर्शन के लिए जो है ये चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। ये पोस्टीरियर साइड पर, एंटीरियर साइड पर हम देखते हैं एज अ मेटर्नल इफेक्टर जीन काम कर रहा है, लेकिन पोस्टीरियर साइड पर गैप जीन की तरह काम करता है। क्रूपल का एक्सप्रेशन मिडल में, क्रूपल जीन का एक्सप्रेशन जो मिडल में आ रहा है उसके पीछे हंचबैक जीन ही काम करता है। जो निप्स एंड जियांट इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट पर आ रहे हैं, अगेन उसको भी हंचबैक ही कंट्रोल करेगा। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। गैप जीन्स के बाद आते हैं पेयर रूल जीन्स। द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ गैप जीन्स एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पेयर रूल जीन। जो गैप जीन्स के प्रोडक्ट आए उन्होंने पेयर रूल जीन्स को एक्टिवेट कर दिया। इट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सेगमेंट एम्ब्रियोज ऑफ द इंसेक्ट। आप देख रहे हो कैसे 14 पैरा सेगमेंट्स जो है वो बन गए,
ठीक है, पहले ब्रॉड कैटेगरीज थी, अब 14 पैरा सेगमेंट्स बन गए जहाँ पर अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन है. ये रेड वाला जीन इवन स्किप्ड नाम का जीन है, ये ग्रे वाला जीन फिशी टराजू नाम का जीन है जिसने पेयरिंग कर दी है, 14 पेयर सेगमेंट्स में चीज़ों को बांट दिया है. इसके अलावा और भी बहुत सारे पेयर रूल जीन्स हैं, हेरी रंट फिशी टराजू पेयर ऑड पेयर, ये सारे पेयर रूल जीन्स के एग्जांपल्स हैं. अगर इनमें से किसी भी जीन में एबनॉर्मेलिटी आती है या वो एब्सेंट होता है, म्यूटेटेड होता है, तो हम देखते हैं एक एबनॉर्मल फ्लाई डेवलप होती है एंड वहाँ पर 14 पैरा सेगमेंट्स प्रॉपरली नहीं आ पाते, यानी कि जीन्स का कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में होना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं कि सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आते हैं. सेगमेंट्स तो आ गए, अब उनकी भी पोलैरिटी आनी ज़रूरी है. वहाँ पर हम देखते हैं पेयर रूल जीन्स के बाद एम्ब्रियो बहुत प्रिसाइजली 14 सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है करेक्ट लोकेशन एंड डेफिनेशन के साथ. अब इनकी पोलैरिटी को जस्टिफाई करना ज़रूरी है जिसके लिए और जीन्स आएंगी. यहाँ पर जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं, वन इज एनग्रेल्ड जो काफ़ी बार CSIR पूछ चुका है. द एनग्रेल्ड जीन इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द सेल्स विद इन द पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ एवरी सेगमेंट. जो सेगमेंट्स बने हैं अगेन आप देख रहे हो उनका भी एंटीरियर साइड है पोस्टीरियर साइड है, एंटीरियर साइड है पोस्टीरियर साइड है. सेगमेंट्स को पोलैरिटी दी जा रही है जिसके पीछे स्पेसिफिकली जीन्स काम कर रहे हैं. कौन कौन से? एनग्रेल्ड एंड गूजबेरी दो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स हैं. तो समझ में आया आपको कैसे कैसे चीज़ें जो हैं चली हैं, मेटर्नल टू गैप, गैप टू पेयर रूल, पेयर रूल टू सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आते हैं होम्योटिक जीन्स. ये मास्टर जीन्स हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स या बॉडी सेगमेंट्स को आइडेंटिटी देंगे. मोस्ट ऑफ द होम्योटिक जीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स को कोड करते हैं जहाँ पर एक छोटा सा डोमेन प्रेजेंट होता है, एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको आप होम्यो डोमेन बोलते हो एंड इनको हम हॉक्स जीन्स भी बोलते हैं. कहाँ पर पैर आएंगे, कहाँ हाथ आएंगे, कहाँ पर विंग्स आएंगे, आइडेंटिटी देने का काम होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स करते हैं. अगर किसी भी वजह से इन जीन्स में म्यूटेशन है तो कुछ की जगह कुछ आ जाएगा, पैरों की जगह हॉल्टर्स आ जाएंगे, विंग्स की जगह पैर आ जाएंगे, कुछ की जगह कुछ आ जाएगा. एक्यूरेट एक्सप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्रूट फ्लाई में हम देखते हैं 4 क्रोमोजोम हैं, उसके क्रोमोजोम नंबर 3 पर 2 ग्रुप ऑफ होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आइडेंटिटी को लेकर आते हैं. उनका क्या नाम है? एक है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स एंड दूसरा है बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स. एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ग्रुप ऑफ जीन्स है, इट कंट्रोल्स द सेगमेंट्स इन हेड एंड इंटीरियर थॉरेक्स, है ना? ऐसे ही तो है, हेड आ रहा है, थॉरेक्स आ रहा है, एब्डोमन आ रहा है, फिर इनका भी एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है. एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हो लेबियल, प्रोसोपीडिया, डिफोडिया, ये अलग अलग क्लस्टर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ हेड है, यहाँ थॉरेक्स है, जस्ट लाइक दैट. बायथोरेक्स में भी 3 जीन्स आप देख रहे हो जो एब्डोमिन एंड पोस्टीरियर थॉरेक्स को लेकर आएंगे. ये भी आपको याद करना पड़ेगा, काफ़ी बार ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है. दिस इज द ब्यूटिफुल डायग्राम, आप देख सकते हो एवरीवन. लेबियल ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है जो हेड से लेकर इंटीरियर थॉरेक्स को लेकर आएगा, उसके बाद वाला पोस्टीरियर थॉरेक्स वाला एंड एब्डोमन वाला पार्ट जो है वो बायथोरेक्स के जीन्स लेकर आते हैं. क्या नाम है? लेबियल, प्रोसिपीडिया, डिफॉर्मेडो, सेक्शुअल रिड्यूसिया, है ना, एंटीनापीडिया. ये आप देख रहे हो कलर, ये देखो येलो कलर, ये लेकर आया है, ये वाला जीन्स लेकर आया है. प्रोसोपीडिया ये वाला पार्ट लेकर आया है हेड का. डिफार्मोडो की अगर आप बात करते हो ये वाला पार्ट लेकर आया है,
है ना। अगेन एंटीना पीरा पी को देखो, ये पार्ट लेकर आया पूरा का पूरा। सो दीज आर द वन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम जो अगर आप याद कर लें तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा है नहीं, आसानी से याद हो जाएंगे। अगेन देखिए यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी वजह से म्यूटेशन हो जाता है, मैंने बोला अगर होम्योटिक जीन में म्यूटेशन हो जाएगा कुछ ही जगह कुछ आ जाएगा। एंटीना की जगह आप देख रहे हो लेग्स आ गए हैं, अगर एंटीना पीडिया जीन में म्यूटेशन है तो। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली CSIR सेक्शन सी में पूछ चुका है, राइट। होम्योबॉक्स से भी रेलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। होम्योटिक जीन्स में कंजर्व डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि 180 बेस पेयर का होता है, जिसमें 7 अमाइनो एसिड कोड होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, होम्योडोमेन है। एंड ये कंजर्व्ड रहता है, आप फ्रूट फ्लाइज में देखोगे, इंसेक्ट्स में देखोगे, मैमल्स में देखोगे, होम्योटिक जीन्स पैटर्न सेम चलता है। आप देख रहे हो ना, ये कंजर्वनेस चली आ रही है, ये देख रहे हो कलर, कंजर्व्ड का मतलब तो यही है, कंजर्वनेस चली आ रही है। ये ड्रोसोपिला का एम्ब्रियो है, ये माउस का एम्ब्रियो है, होम्योटिक जीन्स का पैटर्न आपको नीचे सेम दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज दे आर द वन जो कि आइडेंटिटी ला रहे हैं। हॉक्स जीन्स आर द वन जो कि आइडेंटिटी लाने का काम करते हैं। स्वस्था होम्योटिक जीन्स में 180 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, उसको हम होम्योबॉक्स बोलते हैं, जो कि आइडेंटिटी, यहाँ हाथ पैर वो सारी की सारी चीजें लेकर आता है। ओके अर्पिता, अगेन बायथोरेक्स म्यूटेंट है तो वहां पर भी आप देख रहे हो म्यूटेशन, अगर आपको होम्योटिक जीन्स में मिलता है तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ विंग्स वहां पर आ जाएगा। म्यूटेशन में आप देख रहे हो कुछ की जगह कुछ, या फिर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जीन्स जो है वो आपको दिखाई देगा। एवरीवन, सो ये कुछ जीन्स थे, ड्रोसोफिला की बात थी जो आपको याद रखनी है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, लंबा टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है। अभी 5 से 6 दोबारा से क्लास है आज हमारी, किस पर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर ही, सी एलिगेंस नीमाटोड डेवलपमेंट पर। मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू कि अभी 2 मिनट के बाद मैं क्लास शुरू करूंगी, आप लोग ज्वाइन करें अनअकैडमी पर, बस अभी आती हूँ मैं। एवरी वन ऑफ यू, सी यू सून देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन सो पेशेंसफुली। मिलते हैं अभी 2 मिनट बाद। थैंक यू सो मच।